फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोया चंक्स या फिर सोया ग्रैनुअल्स की टिक्की की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और जिमिंग करने वालों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और बच्चों की सेहत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सोया ग्रैनुअल्स या फिर सोया चंक्स की क्वालिटीज़ कि ये कैसे बनती हैं और कैसे यूज़ होती हैं। तो सोयाबीन एक तरह का अनाज होता है और सोयाबीन में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मटेरियल बचता है उससे सोया चंक्स या फिर सोया ग्रैनुअल बनता है। सोयाबीन में से ऑयल निकाल देने का मतलब होता है उसमें से फैटी एसिड निकाल देना, और उसके बाद जो बचता है उस 100 ग्राम सोयाबीन चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। इसकी हम सब्ज़ी बना सकते हैं, इसको राइस के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि चंक्स पुलाव। इसकी काफ़ी रेसिपीज़ हैं, तो चलिए इसकी एक रेसिपी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए और यूज़फुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सोया ग्रैनुल्स ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर सोया चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मैंने 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था, तो ये अच्छे से फूल गए हैं, और साथ ही पानी में हल्का सा नमक डाल दिया था और इनका सारा पानी हमने निचोड़ कर स्क्वीज़ करके निकाल दिया है। तो बिल्कुल ड्राई जैसे हो गए हैं लेकिन अच्छे से फूल गए हैं। तो बस अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं एक जार में डाल लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है इनमें। तो बस हम इनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल बारीक पीसना है। और बस मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए ऐड कर देते हैं, और 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के लगभग चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग बेसन ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून से मिक्स करें या फिर हाथों की सहायता से। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। तो टिक्कियां बनाने के लिए हम एक तवा गर्म होने रख देते हैं, और तवे को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और जब तक तवा गर्म होता है हम टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम ऐसे हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे। अगर आप चाहें तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि ये जो मिक्सचर है वो हाथों में चिपके ना, और इस तरह से गोल करके हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर रखते हुए तवे को, उस पर हम ये टिक्कियाँ रख देते हैं। तो ये टिक्की बनके तैयार हो गई है, और तवा भी मीडियम गर्म हो गया है, तो हम तवे पर रख देते हैं टिक्की को, और हम अगली टिक्की बनाने शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरी टिक्की भी बना ली है और उसका भी तवे पर रख दिया है। तो एक तवे पर एक बार में जितनी टिक्कियाँ आ जाएंगी उतनी हम बनाकर रख देंगे, और टिक्की के चारों तरफ हल्का सा ऑयल डालते जाएंगे, और गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। तो 3 या 4 जितनी टिक्कियाँ आ जाएंगी उतनी हम तवे पर रख देंगे, और चारों तरफ हल्का सा ऑयल ज़रूर डाल देंगे ताकि टिक्कियाँ चिपके नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब लो फ्लेम पर सिकते हुए टिक्कियों को लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम टिक्कियों को हल्के हाथ से टर्न कर देंगे। तो बस मैं सारी टिक्कियाँ टर्न कर देती हूँ, और दूसरी साइड से भी हम टिक्कियों को अच्छे से सेक लेंगे तब तक कि वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं। अभी क्या है कि मेरे तवे पर अभी जगह है, तो मैंने एक टिक्की और ऐड कर दी है।
तो बाकी टिक्कियों का भी हम ध्यान रखेंगे, अच्छे से सिकने देंगे। तो टिक्कियों को हम एक बार और टर्न कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और अच्छे से ब्राउन होने के बाद हम इनको तवे पर से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम ऑयल ऑब्जर्विंग पेपर पर निकाल लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा ऑयल इसमें होगा तो वो निकल जाएगा। तो मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। मैं टिक्कियों को शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटी टिक्कियाँ बनाई हैं और पैन में ऑयल ले लिया है। तो शैलो फ्राई करने के लिए हमने टिक्कियों को ऑयल में डाल दिया है और मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो टिक्कियों को हम पलट पलट कर शैलो फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आप ऑयल कम खाना चाहें तो इस तरह से ना बनाएं, जो फर्स्ट वाला मेथड मैंने आपको बताया है वैसे बना लें। तो बस टिक्कियां अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं टिक्कियों को मैंने पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बस हम निकाल लेते हैं इसको और किचन टॉवल पर ही निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। अगर आपके पास किचन टॉवल अवेलेबल ना हो तो आप न्यूज़पेपर पर निकाल लें, तो वो भी काफ़ी हद तक ऑयल सोख लेता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ निकाल लूँगी पैन में से। तो बस अब हम टिक्कियों की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन की टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। एंजॉय द रेसिपी। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।